हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरे गार्डन की ओवर व्यू आपको दिखाने वाले हैं। आपको पता ही है दोस्तों कि अभी विंटर का सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है। मॉर्निंग में गुलाबी ठंड है वो दिखने लगी है। शुरुआती दिनों में दोस्तों इस तरह का माहौल होता है, उसमें काफ़ी सारे इस विंटर सीजन में दोस्तों कुछ प्लांट में प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ये दोस्तों थोड़ी बहुत बात भी मैं आज के वीडियो में करूँगा और आपको मेरे गार्डन में जो प्लांट है दोस्तों वो भी दिखाऊँगा। आप देख सकते हो कि मैंने बोतल में दोस्तों कुछ मिर्च और टमाटर के भी प्लांट ग्रो किए हैं। सभी प्लांट के दोस्तों वीडियो है मेरी चैनल पे अवेलेबल है। ज़्यादातर मैं प्लांट का आइडेंटिफिकेशन नहीं कराऊंगा और नाम ज़्यादातर नहीं लूँगा, लेकिन आपको पूरे पूरा ओवरव्यू है वो दिखाने वाला हूँ। गार्डन बनाते समय दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों का भी मैंने ख्याल रखा है। आप देख सकते हो कि नींबू का पेड़ है वो मेरा 4 साल तकरीबन पुराना होगा और इसमें पिछले सीजन में अच्छे खासे नींबू भी दोस्तों बने हैं। वो फरवरी के बाद नए फ्लावर है वो भी बनेंगे। और कुछ कैक्टस की भी वैरायटी दोस्तों मैंने मेरे गार्डन में लगाई है। आप देख सकते हो तरह तरह के दोस्तों अलग अलग प्लांट होंगे तो ही आपका गार्डन है वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। अभी विंटर का सीज़न चल रहा है दोस्तों, मैं आपको ज़रूरी सजेस्ट कराऊँगा कि इस सीज़न में आप काफ़ी सारे ऐसे सीजनेबल जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो भी ग्रो कर सकते हो। गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारी डिटेल है दोस्तों, आपको YT पर YouTube पे और गूगल में भी मिल जाएगी। मेरा दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे प्लांट है वो जो बड़े भी हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि ये चाइना पाम के नाम से पहचानता है। मेरे अनार का भी प्लांट है दोस्तों, उसमें भी फ्लावर वगैरह है वो बनने लगे हैं। और दोस्तों एक अच्छा खासा लुक है वो आपका गार्डन नया शुरू करोगे दोस्तों तो 2 या 3 साल में इसके एक्सपर्ट भी हो जाओगे। और प्लांट है वो भी दोस्तों जो खास करके परमानेंट प्लांट है वो भी बहुत ही अच्छे खासे घने और बड़े हो सकते हैं। कुछ गमले की भी चॉइस इस तरह से करनी चाहिए। और दोस्तों छत पर हो गार्डनिंग करना तो पानी की व्यवस्था जरूरी पहले से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार चलने वाली चीज़ है। लंबे समय तक गार्डन बनाने के लिए दोस्तों छत पर ही पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए मेरे इस सीजन में भी एडेनियम में अभी फ्लावर है वो बन रहे हैं दोस्तों। आने वाले दिनों में दोस्तों इसमें सीड पॉट भी तैयार हो गए। और एक जुगाड़ करके दोस्तों मैंने एक जो पाइप है उसके सहारे कुछ सब्जियाँ भी उगाई है, तो उसका वाटरिंग किस तरह से मैंने किया है वो भी आप देख सकते हो। एक बड़े से पाइप लगा दिया है। ऐसी कुछ चीज़ें होती है दोस्तों जो वेस्ट होती है उसका भी हम गार्डनिंग के दौरान यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे कबाड़ का दोस्तों कोई इस्तेमाल भी हमारे घर पर नहीं होता है। और यदि देने जाओ दोस्तों तो भी इतनी कोई ज़्यादा कीमत इसकी नहीं आती है। तो इस तरह से ऐसी चीज़ों का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं दोस्तों। सुंदरता दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि महंगे महंगे गमले या तो कुछ ऐसा यूनिक आइडिया यूज़ करके आप अच्छा गार्डन बनाओगे। जो भी चीज़ अवेलेबल हो दोस्तों, जितना कम खर्च में हो, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से। मेन चीज़ ये होती है दोस्तों कि प्लांट को ग्रो किया जा सकता है किसी भी बोतल में या तो ऐसी कबाड़ वाली कुछ बकेट वगैरह में भी प्लांट है। और दोस्तों काफ़ी सारे ऐसी बहुत ही लंबी लिस्ट है दोस्तों, वो तैयार हो ही जाते हैं। आप जैसा गमला हो उस तरह का प्लांट है वो उसमें रख के ग्रो कर सकते हो। परमानेंट प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, काफ़ी सारे फ्रूट के प्लांट है दोस्तों, और काफ़ी सारे ऐसे लीव से भी सुंदर दिखने वाले पौधे होते हैं दोस्तों, वो भी आप ग्रो कर ही सकते हो। कोलियस की वैरायटी है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो उस तरह के काफ़ी सारे प्लांट अवेलेबल है आपको नर्सरी से, या तो दोस्तों कई जगह पर इसके कटिंग भी आपको मुफ्त में मिल जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट है दोस्तों हमें गार्डन में ज़रूरी लगाने चाहिए। आप देख सकते हो दोस्तों कि इससे वैसे भी हमारे छत है वो दोस्तों कोई यूज़ नहीं होता है, तो इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं।
तो ऐसे ही दोस्तों छत पर बागबानी में कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है, जैसे कि हमारी छत है वो दोस्तों ख़राब ना हो, इसके लिए हो सके दोस्तों तो ग्लेज वगैरह है वो लगा देना चाहिए, या तो दोस्तों आपको वाटरप्रूफिंग ज़रूरी छत पर करवा देना चाहिए। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिससे हम डेकोरेटिव भी कुछ लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ पुरानी चेयर वगैरह पड़ी थी, और दोस्तों बैठने की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी मैंने कर ली है गार्डन में, तो इसका दोस्तों आनंद ही कुछ और होता है। गार्डनिंग के दौरान दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमें सीखने को मिल सकती है, लेकिन शुरुआती दोस्तों दिनों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि वाटरिंग है दोस्तों, मिट्टी है और फर्टिलाइजर वगैरह दोस्तों आगे जाके आएगी। जब भी गार्डनिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगा, ग्रोथ नहीं होगी, तो ये सब चीज़ों की हमें जानकारी धीरे धीरे आगे जाके मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी है होती है दोस्तों वो धीरे धीरे हम इकट्ठा करने लगे, खास करके प्लांट की, तो ये दोस्तों अपने आप ही इसमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें भी कुछ नॉलेज इसका आ ही जाता है गार्डनिंग के दौरान। धीरे धीरे दोस्तों पॉटिंग जो मिट्टी होती है दोस्तों उसको भी हेल्थी बनानी होती है, तो ये दोस्तों दिक्कत ये आती है यदि ग्राउंड हो दोस्तों तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इसके गमले के लिए दोस्तों अच्छी मिट्टी बनानी होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों, खास करके घरेलू खाद भी किसी तरह से हमें बनानी होगी, ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों हम गार्डनिंग के दौरान सीखने को मिलती है। इसके लिए कुछ मैंने स्टैंड वगैरह भी दोस्तों बनाए हैं, तो ये सब दोस्तों मैंने शुरुआती दिनों में कुछ नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे जाके दोस्तों आप देख सकते हो कि पूरा लुक किस तरह से का दिख रहा है। आगे जाके मैंने चेयर वगैरह ली है, कुछ स्टैंड लिए हैं, गमले के नीचे दोस्तों इस तरह की ट्रे अभी मैंने फिट कर दी है, चिड़िया के लिए दोस्तों दाना पानी सब कुछ धीरे धीरे ही मैंने किया है, कोई एक साथ में ऐसा मैंने जुगाड़ नहीं कर लिया है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ख्याल आ ही गया होगा। तो बागबानी दोस्तों धीरे धीरे ही होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।